प्रोफेशनल बैकग्राउंड कैसे बनाएं। आज ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप ऐसे फील्ड में जा रहे हैं जहां पर ग्लैमर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। देखो, जिस तरह से मेरे घर में अच्छा पेंट नहीं है, हो सकता है आपके घर में भी ना हो, तो बैकग्राउंड फोटोशूट करते वक्त, वीडियो शूट करते वक्त बहुत प्रॉब्लम करते हैं। वो वाली फीलिंग नहीं आती, मेरे घर की तो जो दीवार है उसका पेंट है वो भी छूटा हुआ है, यानी कि नमी की वजह से पूरा छूट जाता है, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। पहले मैं ज़रूर सोचता था कि चलो यार छोड़ो, जाने देते हैं, क्या ही फ़र्क पड़ता है, लेकिन फ़र्क पड़ता है। मेरे फील्ड में इतना नहीं पड़ता बिकॉज मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन आप तो प्रोफेशनली हैं, आप जहाँ भी जा रहे हैं, जिस भी जगह आप अपना पोर्टफोलियो या फिर आप अपनी वीडियो देते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं बैकग्राउंड मैटर करता है। वहीं बहुत सारे ऑडिशंस के अंदर जो मेकर्स होते हैं चेक करने वाले, वो आपके बैकग्राउंड को देखकर ही आपके पैसों के बैकग्राउंड का पता लगा लेते हैं। हालांकि पता वो अपने माइंड से लगाते हैं, रियलिटी किसी को नहीं पता होती, बट गाइस फिर भी बैकग्राउंड मैटर करता है। जिन लोगों का फाइनेंस बैकग्राउंड ठीक है बट फिर भी वो ऐसी जगह वीडियो शूट कर आते हैं जहाँ पर जो लुक है पीछे का वो बहुत बेकार आता है, जिससे कहीं ना कहीं वो क्वालिटी नहीं आ पाती आपके करेक्टर में। वैसे तो आप गरीब हैं, अमीर हैं, वो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब बात आती है दिखाने की तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मैटर करती है। क्योंकि गाइस बात सिंपल सी है, जो दिखता है वही बिकता है। फोटो को जब आप एडिट करते हैं तब भी आपको टाइम लगता है, इसे फोटो एडिटिंग के अंदर भी बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगता है। मेरे दोस्तों, ऐसे ना जाने कितनी समस्याएं हैं जो सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड अच्छा ना होने की वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। देखो गाइस, मैं जो काम करता हूँ उसमें बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, लेकिन आप अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो फिर ये चीज़ मैटर करती है। बहुत सारी एंटरटेनमेंट एजेंसी या फिर एड एजेंसी आपसे रिसेंट आपका जो लेटेस्ट फोटो है वो एट द टाइम क्लिक करके मांगती हैं। वहीं आप यही देखते हैं कि कौन सा बैकग्राउंड प्लेस सही रहेगा फोटो को क्लिक करने के लिए। इधर प्रॉब्लम आती है क्योंकि उनको अपने ऐड के अंदर लगाना होता है, तो फिर वो इस तरह का बैकग्राउंड मांगते हैं जिसको वो इजीली एडिट कर सके, तो ये भी प्रॉब्लम होती है। दूसरी और भी समस्याएं होती हैं, जैसे सिंगर्स की बात करें तो उनको एग्जैक्ट प्लेस नहीं मिल पाता जहाँ वो अपना जो वीडियो है वो रिकॉर्ड कर सके। वहीं और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपके घर में लाइट ज़्यादा है, फोकस ज़्यादा है, तो वो सही से लाइटिंग का भी प्रॉब्लम हो जाता है अगर सही बैकग्राउंड ना होने की वजह से। सबसे बड़ी बात फ़ोटो एडिटिंग के अंदर प्रॉब्लम, क्योंकि पोर्टफोलियो शूट करते वक्त या फिर सिंपल फ़ोटो एडिटिंग के वक्त भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो गाइस कुछ तो करना पड़ेगा, बिना करे तो काम चलने वाला नहीं है, तो कुछ ऐसा कीजिए जो सस्ता भी हो, टिकाऊ भी हो और आपके बहुत सारे काम वो सॉल्व कर दे। पहले मैंने क्या किया था, जब बैकग्राउंड स्क्रीन आप देख रहे हैं ग्रीन स्क्रीन है ये, मैं मार्केट में बहुत घूमने के बाद मैं ग्रीन स्क्रीन फाइंड करके लाया। वो ग्रीन स्क्रीन मुझे, क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी ग्रीन स्क्रीन की, तो फिर मैं ले आया बिकॉज उसका कलर ग्रीन था, तो मुझे लगा कि हाँ ये एग्जैक्ट ग्रीन स्क्रीन है। और जब उस पर काम किया तो वो बात नहीं आई बिकॉज वो लाइट को ऑब्जर्व नहीं कर रहा था, वो रिफ्लेक्ट कर रहा था। तो अलग अलग तरह की ग्रीन स्क्रीन होती हैं, तो आपको जो सही स्टूडियो में यूज़ होने वाली ग्रीन स्क्रीन है वो कहाँ मिलेगी। जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, ये स्टूडियो में यूज़ होने वाली ही ग्रीन स्क्रीन है, और ये सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये या फिर 350 रुपये की आपको अमेज़ोन पे मिलेगी। बेसिकली आप अमेज़ोन पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी ग्रीन स्क्रीन मिल जाएगी, लेकिन जो ये ग्रीन स्क्रीन है जो मैंने लगाई हुई है, पर्सनली मैं इसको 1 साल या 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हैं। बहुत सारे लोगों ने फ़ोटो एडिटिंग के लिए इधर काफ़ी ज़्यादा फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं, उनके काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी आए हैं, तो फिर कहीं ना कहीं वो बात है ग्रीन स्क्रीन में आ जाती है। तो ये जो ग्रीन स्क्रीन है, इसका लिंक आपको मैं वीडियो के नीचे दे दूंगा, काफ़ी सही है, आप चाहें तो परचेस कर सकते हैं। लेकिन आप अगर इधर से ग्रीन स्क्रीन बाय नहीं करते तो आप कहीं से भी कीजिए, बट आपके पास एक ग्रीन स्क्रीन होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, देखो ब्लू स्क्रीन भी चलती है, लेकिन ब्लू स्क्रीन इतना ज़्यादा अब आज के टाइम में यूज़फुल नहीं रही जितना ग्रीन स्क्रीन है। तो ग्रीन स्क्रीन एक पर्दा ही होता है बेसिकली, बट अगर आप वैसे मार्केट में जाएंगे तो आपको वो वाला पर्दा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है या फिर लाइट को ज़्यादा ही ऑब्जर्व कर लेगा। लेकिन जो ये ग्रीन स्क्रीन होती हैं, जो स्पेशल एक टाइप के जो कॉटन या फिर फैब्रिक होता है कुछ अलग तरह का, वो क्या करता है, लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है और सही तरह से लाइट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिससे कि कहीं ना कहीं आपका फोटो, आपका वीडियो
काफ़ी सही आता है, उसको एडिट करने में भी आसानी होती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूं इस स्क्रीन के बारे में। बेसिकली इस स्क्रीन का आपको लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूंगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में जो सबसे पहला लिंक होगा वो इसी ग्रीन स्क्रीन का होने वाला है। गाइज एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी तो मुझे लगा बता देना चाहिए। बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।